दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने माना कि सेंट्रल विस्टा एक अहम आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। असल में बीजेपी के विरोधी दलों ने यह याचिका दाखिल कराया था, जिसमें हार मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिए गए फैसले पर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने को लेकर विपक्षी दलों की ओर से जिस तरह झूठी जानकारी फैलाई जा रही है और लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाला जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप था कि मोदी सरकार कोविड के दौरान लोगों पर ध्यान देने की बजाय संसद की नई इमारत बनाने पर मोटी धनराशि खर्च कर रही है। इसे रोकने दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। ट्विटर और मोदी सरकार के बीच नए आईटी रूल्स को लेकर तकरार और बढ़ गई है। कंपनी ने हाई कोर्ट में दावा किया कि वह नए आईटी रूल का पालन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का साफ कहना है कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया। असल में नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों पर शिकायत निपटान अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके जरिए उपयोगकर्ता या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके। 24 घंटे के भीतर सभी दर्ज शिकायतों के बारे में सूचना देनी होगी। 15 दिनों के भीतर उनका निपटारा करना होगा, लेकिन किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया। हिंदू जनजागृति समिति ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हो रही वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स को बाल यौन शोषण का प्रचार करने वाली वेब सीरीज बताते हुए उसे तत्काल प्रतिबंधित करने की मांग की है। समिति के प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी ने कहा कि बॉम्बे बेगम्स वेब सीरीज में छात्रों द्वारा विद्यालय में अश्लील पिक्चर देखना, छोटे बच्चों द्वारा नशे का सेवन करना तथा भड़काऊ और आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दृश्य बाल यौन शोषण को प्रोत्साहन देंगे। हिंदू जनजागृति समिति ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल तथा बाल संरक्षण आयोग को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और NCP चीफ शरद पवार के बीच आज हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। खबर है कि पवार और फडणवीस के बीच मराठा आरक्षण, कोरोना और लॉकडाउन मैनेजमेंट के साथ ही राज्य सरकार की मौजूदा स्थिति जैसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि खुद फडणवीस ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यह बैठक उच्चतम न्यायालय द्वारा मराठा समाज को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द करने के फैसले को लेकर चर्चा हुई। बताना जरूरी है कि बीजेपी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ 5 जून को विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के पत्रकारों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से मारे गए पत्रकारों के परिजनों को 5,00,000 रुपयों की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि कोरोना से दिवंगत हुए मीडियाकर्मी के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 5,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही जिन मीडिया कर्मियों ने कोविड से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्च की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम महाराष्ट्र के लिए सीखने लायक है, जहां तमाम मांगों के बावजूद भी सरकार पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर तक मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन TMC और BJP में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा टकराव बंगाल के मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने को लेकर छिड़ गया है। मोदी सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के एकतरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं।
महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक राज्य में रविवार को 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 1250 नए मामले सामने आए हैं। असल में कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जहां एक दिन में म्यूकर माइकोसिस के 1000 से अधिक मामले देखने को मिले हैं। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि फिलहाल 1193 मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि कर्नाटक कोरोना वायरस के मामले में भी दूसरे नंबर पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में यहाँ कोरोना के 20,378 मामले सामने आए हैं। यहाँ बीते 24 घंटों में 381 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सिगरेट तंबाकू को ना कहने का संदेश दिया। असल में तंबाकू के सेवन से रोकने और उससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर साल 73 लोग तंबाकू से जान गंवाते हैं, जबकि भारत में हर दिन करीब 4000 लोग तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों के कारण होने वाली बीमारियों से जान गंवाते हैं। कोरोना को रोकने नई मुंबई में रहिवासी सोसाइटियों में वैक्सीनेशन तेज हो गया है। आज बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत की पहल पर सानपाड़ा की मोरा सोसाइटी में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यह टीकाकरण महानगर पालिका की परमिशन पर फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा प्रारंभ किया गया है ताकि सभी नागरिकों का जल्द टीकाकरण हो सके। सानपाड़ा के नागरी आरोग्य केंद्र में कार्यरत ANM प्रतिमा बेलापुरकर का आज रिटायरमेंट हो गया। 35 सालों से महानगर पालिका और जिला परिषद के तमाम आरोग्य केंद्रों में सेवाएं दे चुकी प्रतिमा किशोर बेलापुरकर के सेवानिवृत्ति पर आज इंटक के नई मुंबई जिला अध्यक्ष रविंद्र सावंत की ओर से विदाई दी गई। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन मुंबई, नई मुंबई और महाराष्ट्र समेत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।